सो गदर टू भाई बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रहा है यार। अपने पहले दिन पे इस फिल्म में क्या कलेक्शन था उससे ज्यादा भाई दूसरे दिन पे ये फिल्म कलेक्शन कर रही है, और बहुत कम ही ऐसा फिल्म के साथ देखा जाता है कि पहले दिन का कंपेयर में दूसरे दिन का कलेक्शन ज्यादा होता है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आती है भाई बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करती है अपने पहले दिन पे, क्योंकि पहले दिन पे वो लोग का बज बहुत ज्यादा होता है। असली खेल दूसरे तीसरे और साथ साथ मंडे से स्टार्ट होता है। अच्छा हमको सिखा रहा है, अगर कोई फिल्म अपने चौथे दिन पे अच्छा कलेक्शन कर रही है तो तुम इसे समझ जाना कि पब्लिक उसे भर भर के प्यार दे रही है। दूसरे दिन और चौथे दिन पे ना खेल पता चलता है, वो फिल्म के एक्चुअली में पोटेंशियल पता चलता है कि ये फिल्म में कितना दम है। बहुत कमी बार ऐसा देखा जाता है कोई फिल्म अपने दूसरे दिन पे ड्रॉप ना लेके जंप लेती हो। इसके साथ साथ ओ माय गॉड 2 ने भी भाई दूसरे दिन पे जंप लिया हुआ है। तो ये दोनों फिल्मों ने अपने दूसरे दिन पे कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्ली एस्टिमेट निकल के आ चुका है। और तुम लोगों को पता है ये अर्ली एस्टिमेट में जो तुम्हारा भाई कलेक्शन बताता है उसी के आसपास एक आध करोड़ इधर उधर एक्चुअल कलेक्शन भी भाई मेकर्स रिलीज करते हैं। मेकर्स बताते हैं कि हाँ हमारी फिल्म अपने पहले दिन पे दूसरे दिन में इतना इतना कलेक्शन कर रही है। तो तुम्हारा भाई का अर्ली एस्टिमेट निकल के आ चुका है कि एक्चुअल में ये दोनों फिल्में कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक तो इस वीडियो को प्रभाव तुमने लास्ट तक देखना, और इसके साथ साथ जो भी भाई चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू पॉइंट, सबसे पहले थोड़ा हम लोग ओ माय गॉड 2 को लेकर बातें कर लेते हैं। और ये फिल्म भाई सच में मैं तुम लोगों को इसके रिव्यू वाले वीडियो में ही बोला था, इनफैक्ट मैं कल इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बातें कर रहा था वो वाले वीडियो में बोला हुआ था कि ये फिल्म भाई धीरे धीरे ही लेकिन हाँ रफ्तार पकड़ेगी। पहले दिन पे ये फिल्म का कलेक्शन आता है 10.26 सीआर का, मींस 10.26 करोड़ का। एंड देन दूसरे दिन पे बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है, बहुत तगड़ा, मतलब सोच के तुम लोग बोलोगे ओह मजा आ गया यार। दूसरे दिन भी ये फिल्म कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्ली एस्टिमेट ये निकल के आ रहा है 15 CR, मींस 15 करोड़ का दूसरे दिन भी ये फिल्म कलेक्शन कर, देख लो जंप, अच्छा कंटेंट लेके आएगा भाई, कोई भी एक्टर फिल्में चलेगी ही। यही अक्षय कुमार है जिनकी ये ओ माय गॉड 2 से पहले बहुत सारी फिल्में आई, उन सब फिल्मों का कलेक्शन पहले दिन पे होता था 12 करोड़, देन दूसरे दिन पे कलेक्शन आ जाता था 6 करोड़, 8 करोड़, देन तीसरे दिन पे वही उससे कम, चौथे दिन पे उससे कम 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 करके फिल्म फ्लॉप होकर डिजास्टर होकर निकल जाती थी। बट ये कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है, इस वजह से पहले दिन पे 10 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर रही है, देन दूसरे दिन पे 15 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर रही है। इसके साथ साथ ओ माय गॉड 2 टोटल दो दिनों के अंदर कलेक्शन कर रही है 25.26 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। सो बात कर तुमने गदर 2 को लेके, ये तो गदर मचा रहा है यार, मतलब आई कांट बिलीव यार कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर रही है यार। मेरे को लगा हुआ था, जैसे आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा था ना इसके एडवांस बुकिंग को लेके, मुझे ऐसा लगा था ये फिल्म ना 40 करोड़ के आसपास कलेक्शन करेगा। बट अभी थोड़ी देर पहले जब भी मैं R&D कर रहा था, अर्ली एस्टिमेट चेक कर रहा था, पता कर रहा था, मेरे को पता चला भाई ये फिल्म अपने दूसरे दिन पे पहले दिन से ज्यादा कलेक्शन कर रही है। चल क्या रहा है यार, मतलब ये फिल्म को लेकर इतना पब्लिक प्यार दे रही है। ये फिल्म में भाई 300 करोड़ का भाई आंकड़ा टच करने वाली है, जिस लेवल पे भाई इसके बुकिंग चल रहे हैं भाई कल को लेकर तो अलग ही सीन खराब है यार ये गदर 2 का। बात करते हैं यार पहले दिन भी ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही थी, पहले दिन भी ये फिल्म का कलेक्शन था 40.10 करोड़ का, देन दूसरे दिन पे देखो भाई ग्रोथ कितना है, दूसरे दिन पे फिल्म कलेक्शन कर रही है 43 करोड़ का। ओ भाई साहब बहुत सही लग रहा है यार, सीरियसली बहुत हार्ड कलेक्शन है, और ये कलेक्शन नेट है, ये ग्रॉस कलेक्शन मैं तुम लोगों को नहीं बता रहा हूँ। दो दिनों के अंदर ये फिल्म कलेक्शन करती है 83.10 करोड़ का, ये फिल्म अपने तीसरे दिन पे 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है। अगर 83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करे ना भाई, 100 करोड़ क्रॉस है, इसका हो जाए कम से कम तुमको ना 112 या 15 करोड़ के आसपास भाई इसका आ जाएगा ग्रॉस कलेक्शन। दो दिन में ग्रॉस वाइज जोड़ोगे तो भाई 100 करोड़ क्लब में शामिल है, बट हाँ एक्चुअली मगर नेट कलेक्शन की बात करते हैं, नेट कलेक्शन 83.10 करोड़ का है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, और कल के दिन में बहुत तगड़ा एडवांस बुकिंग चल रहा है। कल जब भी सुबह वाले वीडियो में बताऊंगा ना ये एडवांस बुकिंग मिलेगा, तीसरे दिन का क्या सीन है, और ऑफिशियल फिगर आ जाएगा कि हाँ दो दिनों के अंदर ये फिल्म ने कितना कलेक्शन करा है उसको लेके भी बातें करेंगे, और तीसरे दिन के एडवांस बुकिंग को लेकर बातें करेंगे। हो छूट जाने वाला है तुम लोगों का, सनी बाजी का जो 2.5 करोड़ का हाथ है ना सच में बॉक्स ऑफिस में धमाका कर रहा है यार। बाकी अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि तुम लोग कितना ज्यादा खुश हो कि हम लोग जिस फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। तो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको ज्यादा भी पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।